तत्त्वमसि, ये क्या मतलब हुआ इसका, तू भगवान है। जी पागल है, मैं भगवान हूं, दमड़ी की अकल नहीं, मैं भगवान हूं। अरे भगवान तो सोच के अनंत ब्रह्मांड बनाता है, और मैंने तो जिंदगी भर कमा कमा के मर गया, एक मकान नहीं बनवा सका, मैं कैसा भगवान हूं। पागल हो तुम जो कहते हो, तुम भगवान हो, ब्रह्म हो। तो साधन और कठिन है, और अगर कोई पहुंच भी जाए, ध्यान दो, जन्मांतर सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां, करोड़ों जन्मों में सतयुग वगैरह में कोई ज्ञान मार्ग में अंतिम सीढ़ी पर पहुंचता भी था तो आत्मज्ञान प्राप्त करता था। ध्यान दो, आत्मज्ञान अलग चीज है, ब्रह्मज्ञान अलग चीज है। ये आत्मा तो अंश है ना भगवान का, तो आत्मज्ञानी कई माया नहीं जाती, इसलिए पतन हो जाता है। ब्रह्मा कह रहा है भगवान से, दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक, ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तत पतंत्यधोना धृत युष्मदंग्रया। ज्ञान की अंतिम चोटी पर पहुंचकर आत्मज्ञानी हो जाने पर भी उसकी माया नहीं जाती, फिर पतन हो जाता है। आरूढ़ योगोपि निपात्यते धाः, ज्ञानम क्षरति। मनुजी महाराज भी कहते हैं, शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि कोई ज्ञानी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। परात्मता छुड़ते इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य ने लिखा, तदनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष होगा, अपनी कमाई का ज्ञान मोक्ष नहीं दे सकता। बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। कोई भी ज्ञानी हो उसका पतन हो जाएगा जब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाएगा, भक्ति न करेगा। भगवान का चैलेंज है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक गीता, येषां स एव भगवान् दयये दनन्त सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम्। भागवत दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक, बिना भगवान की शरण गए चैलेंज है। कोई भी तपस्वी योगी ज्ञानी माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, बार बार गिरेगा, 84 लाख में घूमेगा। भगवान को जानना ये किसकी हिम्मत है, भगवान को कोई नहीं जान सकता। वेद ने कहा, तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। बड़े मीठे स्वर में कहा वेद ने, देखो भगवान को जान करके ही एव कोई माया से परे हो सकता है, और कोई मार्ग नहीं। श्वेता चतुरोपनिषद 2वें अध्याय का 8वां मंत्र,
और जब कहा गया कि अच्छा भगवान को जानने के लिए चलो जाने, तो वेद कहता है अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्चात्य चक्षु सश्रुणो त्यकर्ण सबे तिबेद्यम नच तस्यास्तिबेत्ता तमाहुर अग्रम पुरुखम महांतम। श्वेता चतुरोपनिषद तीसरे अध्याय का 19वां मंत्र। क्या उसके हाथ नहीं है पकड़ता है, अच्छा पैर नहीं है दौड़ता है, अच्छा आंख नहीं है देखता है, अच्छा कान नहीं है सुनता है, अच्छा और सबको सबके अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के अनंत जन्मों के समस्त कर्मों को वो जानता है, अच्छा लेकिन उसको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं। न च तस्यास्ति वेत्ता, वेद कह रहा है, गीता कह रही है वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन मैं भूत भी जानता हूं, भविष्य भी जानता हूं, वर्तमान भी जानता हूं, प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के अनंत कर्मों को जानता हूं, मुझे कोई नहीं जान सकता, कश्चन कोई नहीं जान सकता। अजी कोई बड़े बड़े बुद्धिमान सरस्वती बृहस्पति वगैरह तो जान सकते होंगे, अजी सरस्वती बृहस्पति के भी दादा लोग हैं कौन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी नहीं जान सकते। जग पेखन सब देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन हारे तेउ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्ही को जानन हारा, कोई नहीं जान सकता। अभी 5000 वर्ष पहले भगवान आए थे हमारे मृत्युलोक में, यूपी में मथुरा में, ग्वाल बालों के साथ उनके मुंह से छीन छीन कर जूठा ग्रास खा रहे थे। किसी ने ब्रह्मा से कहा, नारद जी ने, तुम्हारे यहां भगवान आए हैं तुमको पता है? ना मुझे पता होना चाहिए, ऐसे कैसे हैं भगवान आ गए? अरे जाके देख लो ना मथुरा में। आके देखा ब्रह्मा ने, ये भगवान छीन छीन के रोटी खा रहे हैं छोटो ग्वालों के मुख से जूठा, है भगवान नहीं हो सकते। लेकिन नारद जी ने कहा था, अरे तो क्या है परीक्षा ले लेते, परीक्षा ले लेते हैं, यानी स्टूडेंट प्रोफेसर की परीक्षा लेने जा रहा है। तो ग्वाल बाल बछड़े और तमाम जितने वहां सामान था सब चुरा के ले गया योग माया से, कि अगर भगवान होंगे तो आउट हो जाएगा और नहीं तो रोएंगे, मेरी गाय चली गई, मेरा भैया चला गया। जैसे ही वो ले गया ऐसे ही भगवान ने नया बना दिया, और ऐसा बना दिया कि किसी को आउट ना हो। वो सखा लोग आपस में जैसे पहले व्यवहार करते थे ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे सखा लोग अपनी मां से पहले बोलते थे वैसे ही बोल रहे हैं, वैसे ही प्यार का तरीका वैसे ही सब, गाय के बछड़े वैसे ही अपनी मां के पास जाके दूध पी रहे हैं। बलराम को नहीं मालूम हो सका औरों को कौन कहे जो साथ में गाय चराते थे। अब काफी दिनों बाद, साल में बाद ब्रह्मा आया, देखा कि देखे अब कैसे भगवान है, है? जो सब यहां तैयार है, और जितने गाय बछड़े यहां तक कि वो लठिया
सबके पास जो ग्वालों के होती है उसमें भी सब में श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं ब्रह्मा को। उसको चक्कर आ गया, क्या बीमारी है। वही ब्रह्मा ये कह रहा है। तो जब ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान सकते तो फिर और तुम्हें को जानने हारा कौन जानेगा, और क्यों नहीं जान सकते। वेद उत्तर देता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तैत्तरीयोपनिषद, दूसरी बल्ली का चौथा अनुवाक। वो बुद्धि से परे है, बुद्धि हाँ, ये जो बुद्धि है सबके पास ये माया से बनी है। ये शरीर माया का, मन माया का, और उसी मन का एक रूप है बुद्धि, वो भी माया की। तो माया के मैटर से दिव्य भगवान को कैसे जानोगे। ये आंख माया की है हाँ, ये भगवान को नहीं देख सकती। अगर आप लोगों के बीच में भगवान आके बैठे हो, क्या पता बैठे हो, और आप देखें उनको, हमारे बगल में बैठा है कोई और कृपालु कहे ये भगवान है ये भगवान है तो हमसे भी गए गुजरे लग रहे हैं, क्योंकि हमारी आंख माइक है, पंच महाभूत की है, और भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय है, तो कैसे देखेंगे। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, वेद कहता है इंद्रिय पराहर्थार्थ व्यक्त परम मन मन सत्व परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्त अव्यक्ता पुरुषा पर पुरुषा न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी बल्ली का दसवां ग्यारहवां मंत्र। इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे जीव, उससे परे माया, उससे परे भगवान। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, इंद्रिय मन बुद्धि से परे हो, कोई नहीं जान सकता। और अगर जाना जाएगा या जाना गया है तो कैसे। अणो रनियान महतो महियान आत्मा गुहायाम निहितोस्त जंतो तमक्रतु पश्यति बीतु शोको धातु प्रसादान महिमान मीशम। श्वेता चतुरोपनिषद तीसरे अध्याय का बीसवां श्लोक। क्या मतलब, उनकी कृपा से उनको जान सकते हो। कृपा से हाँ, भगवान कृपा करके जिसको अपनी आंख दे दें, अपने कान दे दें, अपनी नासिका दे दें, अपनी रसना दे दें, अपनी त्वचा दे दें, अपनी बुद्धि दे दें, वो भगवान को पूरा लाभ भगवान का ले सकता है। जैसे आपस में संसार में माँ बाप बेटा स्त्री पति लेते हैं, यानी भगवान को कौन जान सकता है, भगवान की बुद्धि। भगवान को कौन देख सकता है, भगवान की आंख। अब वो जैसे मिले उसको लाओ, अगर भगवान को जानना है देखना है तो अपनी बुद्धि और अपनी आंख से कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। तो वेद कहता है उनकी कृपा हो जाए तब वो देंगे। तो क्यों जी भगवान कृपा क्यों नहीं करते हैं, करते तो हैं। अनंत महापुरुष हो गए, कैसे हो गए वो, उन लोगों ने देखा। तो क्यों जी उन लोगों को तो भगवान ने कृपा करके अपनी बुद्धि अपनी इंद्रियां दे दी, हमको क्यों नहीं दी, हमने क्या बिगाड़ा है भगवान का। तो वेद उत्तर देता है,
तप प्रभावाद देव प्रसादाच श्वेता चतुरोपनिषद छठवें अध्याय का 21वां मंत्र। तुम भक्ति करो तब वो कृपा करेंगे, तुम्हारी भक्ति से वो कृपा करेंगे तब तुमको अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य दिव्य वाली देंगे, तब तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे। और अगर कोई ज्ञानी, अब आगे बढ़ो, कोई आत्मज्ञानी भक्ति करे और भक्ति से ज्ञान मांगे, ब्रह्म ज्ञान यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का ज्ञान, तो भगवान दे देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम जेन माम उपजान्ति ते, दसवें अध्याय का 10वां श्लोक गीता, मैं शरणागत को जो निर्गुण निर्विशेष का ज्ञान चाहता है दे देता हूं। वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को पालेगा। श्री कृष्ण कृपा से ध्यान दो, लेकिन ऐसा ज्ञानी भी जब श्री कृष्ण का सगुण साकार रूप देखेगा तो भूल जाएगा अपना ब्रह्मानंद। इसके एग्जाम्पल सुखदेव परमहंस, सुखदेव मां के पेट में ही माया मुक्त हो गए थे, मां के पेट में 12 साल तक मां के पेट से निकले ही नहीं, पिंगला के पेट में पड़े रहे डर के मारे कि माया लग जाएगी, हम बाहर नहीं आएंगे। तो वेद व्यास ने कहा, अरे बेटा बाहर निकलो, 12 साल हो गए, मां परेशान है। पिताजी हम बेवकूफ नहीं है, मां के पेट से बाहर आए कि माया लगी, अच्छा हम बर देते हैं तुमको, माया नहीं लगेगी। ये बर मिल गया तब मां के पेट से बाहर आए, अब आके चल दिए, पीछे मुड़ के नहीं देखा कौन मां कौन बाप। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। चले जा रहे हैं सुखदेव, कहां ये पता नहीं, कहां जा रहे हैं ये पता नहीं, जा रहे हैं। मेरी बरसाने वाली प्यारी प्यारी प्यारी।